हेलो साखमा गणी एंड जय माता दी, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल तारा जोधा में। तो मैं आज आपको एक पोशाक के बारे में बताना चाहती हूँ जो मैंने अभी हाल ही में खरीदी है। फिरोजी कलर की है, चोटी मैंने खुद ने तैयार की है, गोटा तूटी मैंने खुद ने लगाया, इस पर लगा हुआ था बट वो सही से नहीं था, वो कैसे भी ओढ़नी को फोल्ड करके ऐसे ही लगा देते तो वो अच्छा नहीं लगता फिर बाद में। ये मैंने आज अभी बैठ के तैयार की है, सुबह से मैं इसी में लगी पड़ी हूँ। ये पोशाक कल ही बन के आई थी तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बाकी का जो भी पोशाक का कलेक्शन है मैं आपको बाद में एक अच्छा सा वीडियो बना के बताऊँगी, आप लोग मेरे को बताना कि कौन सी पोशाक अच्छी है कौन सी नहीं है। मुझे अभी ये अच्छी लग रही है क्योंकि ये ज़्यादा ट्रेंडिंग में अभी, ये कलर भी खूब चल रहा है और ये काम भी बहुत अच्छा लग रहा है। काम के बारे में ज़्यादा मेरे को नॉलेज नहीं है बट ये गोटा पत्ती का काम है इस पर और शायद ये जर्दोजी का काम बोलते इसको, ये वो वाला काम है, इतना मेरे को नॉलेज नहीं है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगी आप लोगों को। मैं इसका काम दिखाती हूँ आपको, ये देखो पूरा लहंगा भरा हुआ है, काफ़ी लोग क्या है पोशाक होती है ना, पोशाक की जो मंगजी होती है ना यहाँ पे गोटा लगा देते हैं ताकि उनके पोशाक लंबी होती है तो आप डांस वगैरह करते हो या कहीं कहीं घूमते फिरते हो ना तो फिर ये लांगी खराब हो जाती है। पर ये घर पे नहीं धुलते, आप बाहर धुलाओगे तो जो इनका ओरिजिनल कलर है वो कलर नहीं रहता है, हल्का सा या थोड़ा सा तो फेड हो ही जाता है। तो मेरे हिसाब से वो अच्छा रहता है, यहाँ पे गोटा लगा के आप बचा सकते हो और आपको नहीं पसंद है तो भी मत लगाओ, अगर आपको कि चले अभी अच्छे से रहे मेरे पोशाक तो आप ज़रूर वो लगाओ, मैंने नहीं लगाया है। ये थी मेरी पोशाक, अब ये मेरे को 15,000 में थी बताई थी उन्होंने बट मैंने 12,000 में ली है। ये वो जो भारी वाला साटन होता है उस पर ये काम किया हुआ है, खास तो कुछ नहीं, चलो ठीक है अच्छी है बट अपना अपना शौक है। पोशाक पोशाक की जगह एक होता है कि पोशाक अच्छा लुक देता है बट आप पोशाक 12 कितनी भी महंगी से महंगे भी खरीदोगे ना 2 या 3 या 4 बार से ज़्यादा आप नहीं पहन पाओगे, इससे अच्छा है आप नॉर्मल सूट, काफ़ी अच्छे अच्छे आते हैं, जोड़ वाले सूट है प्योर प्योर में, ये वाले सूट है नॉर्मल सूट पे आप प्योर की ओढ़नी बनवा सकते हो, वो भी बहुत प्यारी लगती है, बहुत चलती है आजकल ट्रेंडिंग में, वही सूट चलते हैं 4 मीटर का सूट है ऊपर आप प्योर की ओढ़नी पहनो बहुत अच्छा लुक देता है, हर कलर का मिल जाएगा आपको। 12,000 एक ड्रेस में जा रहे हैं, 12,000 में कई सूट आ जाएंगे, फिर वो अपना अपना, अगर आपके पास पैसे है तो ज़रूर मौज करो, ज़रूर आप पोशाक ही खरीदो। बट मैंने भी ये देखो 12,000 में खरीदी है, ठीक है 3-4 बार तो पहनेंगे 3-4 शादी तो मैं निवेड़ू कहनी वो वाला सीन है। तो ये सूट मेरे कल सिल के आए थे, आज मैंने इसकी ओढ़नी तैयार की है, जो पहला काम था वो सही नहीं था तो मैंने वो निकाल के दूसरा अपना किया है। अब ये 4 मीटर का सूट है, ये जॉर्जेट में है, जॉर्जेट अभी खूब चल रहा है, प्लेन जॉर्जेट है, बारीक बारीक इसमें काम है डिजाइन का, इसके ऊपर आप रानी कलर की या हल्की सी दोनों साइडेड में रानी और ब्लू कलर की ओढ़नी प्योर में बना के भी पहनोगे तो ये बहुत प्यारा सूट लगेगा, आप ऐसे सूट भी बनवा सकते हो। ये मेरे को सूट है जो मैंने अभी सिला है और ये एक इलायची कलर में, इस पर ये कसीदा करके हल्के से छोटे छोटे तारों को ऐड किया हुआ ताकि वो हाथ से धो या आप मशीन से धो कैसे भी धो वो निकलेंगे नहीं, तो ये भी मेरे को सूट बहुत प्यारा लगा। इसके ऊपर आप ऑरेंज कलर की या फिर साइड में आप 2 कलर की ओढ़नी भी ओढ़ सकते हो प्योर की, और एक कॉटन की तो होनी ही चाहिए क्योंकि आप घर में प्योर की ओढ़नी पहन के आप काम नहीं कर सकते, वो ख़राब हो जाती है, प्योर पे तो पानी का छींटा भी लगता है तो वो ख़राब हो जाती है, वो निशान उस पर हो ही जाता है। ये भी जॉर्जेट में ही है, इस पर ये गोल्ड कलर की देखो प्रिंट की हुई है, अच्छी प्रिंट है, ये नहीं निकलेगी उन्होंने बोला तो है बट मुझे नहीं पता, इस पर भी आप अच्छी सी पीच कलर की, अभी पीच कलर भी खूब चलता है, पीच कलर की अच्छी सी आप प्योर की ओर नहीं ओढ़ सकते हो और एक कॉटन में ले लो जैसे आपको सही लगे वैसे, तो ये सूट भी अच्छे चलते हैं, आप शादी ब्याह में पहन सकते हो, छोटे बड़े फंक्शन हो कोई पूजा हो या ऐसे ही किसी से मिलने जा रहे हो तो आप कॉटन भी वेयर करो ऊपर, वरना आप प्योर की पहन सकते हो वो भी अच्छी लगती है। ये कुछ जोड़ है जो सिल के आए लहंगे में नहीं निकाली, अभी यही बता देती हूँ आपको मेरे को, ये देखो चीकू कलर में है और ये लहरिया वाला थोड़ा सा डिजाइन दिया ऊपर, इसमें कसीदे का काम किया हुआ है,
हल्के छोटे छोटे स्टोन लगे हुए, स्टोन तो नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी लगे हुए, ये सिल क्या है, एक पीच कलर का जोड़ है मेरे पास, इस पर भी कसीदे का ही काम है। ये भी प्यारा लगता है, ये हल्की सी तारी वाला काम है, मतलब डिजाइन है और उस पर छोटे छोटे तारे लगे हैं। तो ये भी आपके धोने से या किसी चीज से भी खराब नहीं होते, ये भी मेरे को अच्छे लगे। ये कुछ कलर्स है, ये थोड़ा काम जाम वाला है, मेरी भाषा में बोलो तो इस पर प्रिंट है, कुछ ज़्यादा काम जाम तो नहीं, कोई हैवी वर्क नहीं है, प्रिंट है नॉर्मल सी, बट ये फिर घर पे तो पहनो अपनी इच्छा है। बाकी इसमें भी तीन कलर है, मेहरून है, पीला है और नारंगी है, तो ये भी बहुत प्यारा है। क्या है, जोड़ पसंद आ जाए तो आप जोड़ खरीद के ला सकते हो, बाद में आपको कोई भी जोड़ ले जाओ किसी भी शॉप से, आप लहंगा ले सकते हो या लहंगे का सूट लाओ तो उसकी मैच का जोड़ ले सकते हो। तो जोड़ पे क्या इधर उधर हो जाता है, 4 मीटर का सूट है तो उस पर भी अच्छा है, जब आपका मन करे कि आप पूरा सूट पहनो तो पूरा पहनो, वरना लहंगे के साथ आप जोड़ मैच करके पहन सकते हो। ये भी कॉटन में है, ये वो लहरिया वाला, पतला नहीं ज्यादा वाला, इस पे हल्की सी ये शाइनिंग दे रखी है इन्होंने, हल्की सी प्रिंट की है इसमें। कॉटन का जोड़ आप कितना भी अच्छा लिया हो, कितना भी महंगा लिया हो, कॉटन के जोड़ ज्यादा नहीं चलते हैं, क्योंकि इनके कलर तो अच्छी क्वालिटी के होते हैं तो नहीं जाते जल्दी से। बाकी आप धूप में पूरे दिन धो के सुखा देते हो, नहीं लेते हो टाइम से, तो उनका कलर उड़ ही जाता है। मैं कॉटन के सूट पहनती हूँ ज़्यादा, वही पहनती हूँ, तो मैं जब भी पहनती हूँ, जब भी धोती हूँ, मतलब शैम्पू के साथ आप हल्का सा वॉश कर दो, इतने घंटे होते नहीं, बाद में आप कलफ लगा के छाया में सुखाओ, ये जल्दी से सूख भी जाते, कॉटन है ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, जैसे सूखते आप ला के रख दो, तो इन पर ना तो सलवट ज़्यादा आएगी ना इनका कलर ख़राब होगा। अभी मेरे थोड़े चलते भी है, और फिर लोग इंस्टाग्राम पे कमेंट आते हैं कि भाई साहब एक ही ड्रेस में सारे वीडियो बना देते हो घर भर के, तो वो एक ही ड्रेस का कारण यही है कि मैं जो डेली वेयर में कपड़े पहनती हूँ वही कपड़े पहन के मैं वीडियो बना देती हूँ। मैं ज़्यादा तामझाम करके एकदम महारानी सा बन के पोशाक के पहन के मैं रील्स नहीं बनाती हूँ, ना मैं उनपे कम्फर्टेबल होती हूँ, क्योंकि हर गाने का अलग अलग होता है। फिल्मी गाने पे बनाते हो रील्स या कुछ भी, तो उस पर अपना राजनीतिक गेटअप नहीं है, सेट होता है। नॉर्मल गाने भी बनाती हूँ मैं, जो जैसा होता है वैसे ही बना देती हूँ, जैसे घर में काम करते करते मन के साथ थोड़ी देर फ्री हुए हैं टाइम पास करना, रील्स बना दूँ, तो मैं जो पहने हुए रहती हूँ उसी में बना देती हूँ। मैं ज़्यादा नहीं सोचती कि यार सेम सूट है, लोग बोलेंगे कि सेम, तो मेरे वही कॉमेंट्स आते हैं कि आप एक ही सूट में, एक ही सूट है, आपके पास कपड़े नहीं है, कि कपड़े खूब है, भगवान की दया से कोई कमी नहीं है, बट ज़्यादा वो शौक नहीं करती मैं कि मेरे को हर चीज़ दिखाई नहीं पहना, तो वो चीज़ है। और फिर मैं सारे कपड़े रील्स वगैरह में दिखा दूंगी, तो मैं शादी ब्याह में पहनूंगी तो लोग और बोलेंगे यही वही था ना जिस वो आपने उस वीडियो में पहना था, वही पहन क्या है, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। अब ये यूट्यूब पे आ गए हैं तो अब ये शॉप तो ज़रूर करना पड़ेगा, तो ये मैं शॉप करने बैठी हूँ अभी। देख लो मेरे कपड़े, और अगर वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो एक लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जल्दी से जल्दी करना। अगले वीडियो में क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ वो भी मेरे को सजेस्ट करना। कुकिंग वीडियोस बनाऊंगी मैं, कुकिंग वीडियोस मेरे को ज़्यादा कुकिंग नहीं आती, मैं नॉर्मल खाना बना लेती हूँ घर का, ज़्यादा खाना बनाना मेरे को नहीं आता, ठीक है। मैं बार बार कभी कैमरे में देख रही हूँ, कभी खुद को देख रही हूँ, अभी क्या नया नया चालू किया, मेरे को नॉलेज नहीं है, सब बोलती कि कैमरे को देख के वीडियो बनाओ, अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हम सीधा आपसे करने के, आपसे बातें हो रही है, तो धीरे धीरे सीखेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की, जय माता दी, जय माँ करनी, जय हिंद, जय जवान। तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो, मैं इस ऑडियो के अंदर न्यूज़पेपर डालूंगी या फिर ऐसा कोई भी पेपर, बड़ा पेपर होता ना वो आप अंदर डाल के उसको अच्छे से समेट के पैक करके रख दो, क्योंकि इसकी चरक ख़राब हो जाती है, फिर बार बार चरक करवाने से इसका कलर और भी ज़्यादा लाइट हो जाएगा, जैसा पहले था वैसा नहीं रहता धुलवाने के बाद में।
तो आप न्यूज़पेपर इसके अंदर डाल सकते हो या कोई भी पेपर आपके पास हो वो आप डाल के अच्छे से फोल्ड करके पैक करके रख दो, एकदम आपके सही सलामत और नहीं पड़ी जाएगी, क्योंकि ये सब फिर ख़राब हो जाते हैं अगर आप जैसे तैसे रख दोगे तो।